हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 101 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं BCCLE मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें टॉपिक चल रहा है फ्रिक्शन टॉपिक चल रहा है। उसमें ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन और थ्योरी कर लिए थे, और फिर जो है आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताए थे थ्योरी, ठीक है। तो उसी पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं बताया है तो इस तरह का क्वेश्चन बता देते हैं। BCCLE एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसी तरह के एग्जाम में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लैंग्वेज के रूप में भी दे दे, ठीक है। तो हम बताऊंगा अभी, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुटे हैं निर्भय 101 यूट्यूब चैनल से, तो प्लीज जुट जाइए, ठीक है। निर्भय 101 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, उससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और BCCLE का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखें, यहाँ पे बात करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा कुल लेवल का क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का एली एग्जाम में आता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हो सकता है कि लैंग्वेज में भी दे सकता है, ठीक है। इतना बड़ा अगर लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो आधा पन्ना चल जाएगा, ठीक है। आपको दे देगा कि फाइंड डिटरमाइन द मास m1, ठीक है। डिटरमाइन द मास m1 विच विल नाइदर स्टार्ट मूविंग अप, ठीक है, अप द प्लेन एंड नॉट स्लिप डाउन द प्लेन। तो देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.3 है, तो आप बोलेगा फाइंड द m का मान बताइए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज में बना के भी दे सकता है, तो आप लोग उतना समझना पड़ेगा, और फिगर बना के भी दे सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस तरह का आपको कंडीशन बता दिए थे, पुल्ली का कंडीशन भी बता दिए थे, इंक्लाइंस का भी बता दिए थे, हॉरिजॉन्टल का भी बता दिए थे, सब पे थ्योरी बना दिए हैं, थ्योरी बता दिए हैं, न्यूमेरिकल करा दिए हैं। तो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो निर्भय 101 यूट्यूब चैनल में जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देखते हैं यहाँ से कि इसको कैसे सॉल्व करें। ये कंडीशन नहीं पढ़ा है आपको, तो इसलिए सोचे बता देते हैं इस तरह का आता है एग्जाम में। देखिए ये कितना है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो आपको बताए थे एंगल निकालने के लिए, ठीक है। ये 90 होगा, तो ये कितना होगा, 60, तो ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे 100 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। ये इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस पे कितना है, 100 kg का मास रखा हुआ है, 100 kg का मास रखा हुआ है, जिसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, ठीक है। पहले इधर तो इसका नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट कितना काम करेगा, 100 × g, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तब इसका ये कंपोनेंट, ये फोर्स का ये कंपोनेंट इधर आएगा, ये एक फोर्स है, इसका ये दो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको ले लीजिए, तो जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 g cos θ, ठीक है। 100 g कितना हो जाएगा, cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट इधर आएगा, तो इस इधर क्या हो जाएगा, 100 g sin θ, ठीक है। 100 g कितना हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा अभी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 g cos θ और 100 g sin θ। अब बात करेंगे बॉडी M2 के लिए, ठीक है। बॉडी किसके लिए बात करेंगे, अति इस बॉडी के लिए बात करेंगे, ठीक है। इसको 1, 2 भी मान सकते हैं आप, चाहे बॉडी 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बॉडी 1, 2 के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, इसका नीचे वेट काम करेगा, ठीक है। mg, डब्ल्यू क्या होता है, mg, तो यहाँ से m × g नीचे डायरेक्शन में। आप इधर जो है इसमें एक रस्सी स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग कैसा लिए हैं, लाइट वेट स्ट्रिंग है, और पुल्ली जो है फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो टेंशन किधर लगेगा, इस बॉडी के लिए बात करेंगे, टेंशन ऊपर डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रस्सी यहाँ पे लगा हुआ है, एक मास इधर लटका हुआ है, तो इधर जब खींचेगा इसको इस डायरेक्शन में नीचे, तो नीचे जब खींचेगा तो क्या होगा, इसमें टेंशन आएगा इस रस्सी में, ठीक है। इस रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो टेंशन किधर हो जाएगा, इस बॉडी के लिए ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन इधर हो गया, तो और इसमें भी टेंशन आएगा, जो कि दोनों टेंशन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो टेंशन लग रहा है, तो जो टेंशन यहाँ पे आएगा वही टेंशन यहाँ पे आएगा, तो ये टी, तो ये भी टी, ठीक है। आप देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर बॉडी इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर बॉडी क्या, इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम मास m2 के लिए पहले बात कर लेते हैं, बॉडी 2 के लिए, ठीक है। 2 के लिए हम बात कर लेते हैं पहले, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, mg, ठीक है, और उधर अपोजिट डायरेक्शन में देखिए ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और टी जो लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, तो इसको एक को माइनस लीजिए, किसी को भी एक प्लस लीजिएगा तो एक को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बॉडी इधर जा रहा है, ठीक है, अभी जा नहीं रहा है एक्चुअली में बॉडी, लेकिन टेंस टू,
मानते हैं कि टेंस टू बॉडी जो है इधर जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, तो इस कारण से जीरो हो गया, तो टी बराबर क्या हो जाएगा एम जी, ठीक है, टी बराबर क्या हो गया एम जी। यहाँ तक क्लियर है सबको, देखिए एक बार, आप चाहें तो ऊपर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो ऊपर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इतना निकल गया, ठीक है, इतना निकल गया, यहाँ तक निकल गया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि टेंस टू माने हैं कि बॉडी मूव करेगा नहीं एक्चुअली में, लेकिन बट टेंस टू मानते हैं कि बॉडी इधर मूव करना चाह रहा है, तो क्या लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रिक्शन क्या लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए बॉडी टू के लिए लिखिए, बॉडी वन के लिए लिखिए क्या हो जाएगा, वन के लिए लिखिएगा तो इक्वेशन तक कितना हो जाएगा, उधर फोर्स कितना लग रहा है टी, और इधर नीचे के और फोर्स, दो फोर्स लग रहा है, तो माइनस में घटा देते हैं, ठीक है, एफ एस प्लस कितना हो जाएगा, हम इंटू में ले लिए हैं कॉमन, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और सौ जी इंटू कितना साइन थीटा, ठीक है, थीटा का जगह 30 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा कितना, एफ एस प्लस सौ जी इंटू कितना होगा साइन थीटा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप डी का मान यहाँ पे देखिए एम जी है, तो एम जी रख दीजिए, एम जी रखेंगे तो कितना आ जाएगा, और एफ एस, एफ एस का मान क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू आर एन, ठीक है, म्यू इंटू आर एन, यहाँ पे आर एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो कि किसके इक्वल होगा, इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, दो ही फोर्स है, एक नीचे की ओर है एक ऊपर की ओर है, तो इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो यानी आर एन बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधे आर एन बराबर क्या हो जाएगा, सो जी और कॉस थीटा, ठीक है, सो जी कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, आर एन बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू इंटू आर एन, एफ एस का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू इंटू आर एन, तो म्यू का मान दिया हुआ है यहाँ आपको, कितना दिया हुआ है 0.3, तो 0.3 इंटू आर एन का मान कितना है 100 इंटू जी इंटू कॉस, आप थीटा का मान रख ही देते हैं 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस 100 जी इंटू साइन का मान रख देंगे, साइन साइन कितना है साइन थीटा, तो थीटा का मान 30 है, तो साइन 30, इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए कितना आता है, तो एम आई इंटू जी जी तो कट जाएगा लगता है, तो जी जी सबको काट दीजिए, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा कितना, एम का मान देखिए आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा आपको 30 मल्टीप्लाई कॉस साइन 60 कॉस 30 यानी रूट 3/2, और इसका हो जाएगा कितना प्लस 100 मल्टीप्लाई 1/2, ये कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अभी इसको रहने देते हैं, यहाँ से 30 रूट 7 का मान कितना होता है, रूट 3 का मान 1.7, रूट 3 का मान कितना होता है 1.713, ठीक है, इसको 2 से भाग दीजिएगा लगभग 1.88 के आसपास आएगा, अच्छी 0.0 कितना आएगा, लगभग 8 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो 866 ले लेते हैं, ठीक है, 866 और प्लस 50, ठीक है, आपको एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर नहीं देगा, ठीक है, सेमेस्टर में भले कैलकुलेटर देता था, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आपको अंदाज से एक थोड़ा सा एप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के सॉल्व कर देना है। आप इसको सॉल्व कीजिए कितना आता है एम का मान, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से लगभग सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ई जोड़ जोड़ ई दोनों का सॉल्व करने के बाद पूरा जोड़ उड़ के आ जाएगा 75, लगभग 75.98, ठीक है, 75-76 के आसपास आएगा आपका, तो इतना केजी हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो समझ रहे हैं कि किस तरह से निकालेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। वहाँ ऑप्शन में रहेगा तो इस तरह से नहीं कि 75 ऑप्शन रहेगा और 76 ऑप्शन रहेगा, वहाँ ऑप्शन रहेगा किस तरह से, ए नंबर दे देगा कि 30, बी नंबर देगा कि 60, और सी नंबर देगा कितना 75, डी नंबर देगा 15, इस तरह से रहेगा ऑप्शन। तो देख रहे हैं कि 75 और या 76 या 77 कुछ भी आए या 74 आए, तो आप क्या टिक कीजिएगा, 75 टिक कर दीजिएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि ये सब तो होगा नहीं क्योंकि बहुत डिफरेंट है, तो वहाँ से ऑप्शन देगा तो इसी तरह से देगा ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये पूरा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा, तो उसके बाद एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा,
टेक केयर, बाय बाय।